आप इसको स्टार्ट करेंगे आपको साउंड का पता ही नहीं चलेगा। थार को देख के एक बार जरूर लाइक करिएगा। एक्सपीरियंस में ये हमको काफी बेटर लगा। अच्छा थार। हे गाइस वेलकम टू अनुज कार वाईटी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूँ जो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। उस गाड़ी की मतलब कितना भी आदमी उसको खरीद लेना उसका सेलिंग कभी कम नहीं होगा जहाँ तक मेरा अनुभव है। और मतलब वो गाड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये वो गाड़ी ये है महिंद्रा थार जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही है, बहुत ऊपर में चली। इसकी वेटिंग मैं आपको बता दूँ साल साल भर इसकी वेटिंग हमें मिल रही है। तो एक बार बुला लेते हैं थार के जो ऑनर हैं उनको बुला लेते हैं। आइए भैया एक बार आप भी यहाँ पर आ जाइए और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पहले तो अपना नाम बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम विजय शर्मा है। हाँ ये गाड़ी भैया आप कब लिए थे? मैं इस गाड़ी को सन 2021 में लिया हूँ। 2021 में मतलब 2021 से लेके आज तक आपको गाड़ी में कुछ दिक्कत समझ में आया? बहुत अच्छी गाड़ी है, इसका एक्सपीरियंस मुझे है। हाँ। और मेरी इच्छा थी कि मैं थार को यूज करूं। लेकिन जैसे ये गाड़ी होती है यंग जनरेशन होती है, जैसे आप एक तरह से मुझे मान लीजिए और जो यंग पीढ़ी है उनके लिए है अधिकतर, क्योंकि पीछे फोर सीटर है। आपको अंदर दिखा देते हैं एक बार, फोर सीटर ये गाड़ी है। अंदर मतलब लेडीज लोग तो जानी फैमिलियर कार तो ये है नहीं, मेन पर्पस ये लड़कों लोग के लिए बना है। ठेठ भाषा में अगर अपने बनारसी भाषा में बोले तो नौसुखियों के लिए ये बना हुआ है। तो आपको यही क्यों पसंद आया? इस रेट में आपको बहुत सारी गाड़ियाँ थी, स्कॉर्पियो अभी देखिए नहीं आई है, स्कॉर्पियो एन एक्सयूवी 700 वो भी थी ऑप्शन में। मैंने वो भी मैं गाड़ी रखा हूँ। हाँ और मुझे जी मेरी एक्सपीरियंस में ये हमको काफी बेटर लगा। अच्छा थार। थार हाँ। और अपना अपनी चॉइस भी होती है जी। तो भाई सारी गाड़ियों पर मैं चल चुका हूँ, मेरी हाँ। इच्छा हुई कि मैं इस पर भी चलूँ। अच्छा जी। अभी मैं चल चुका हूँ। हाँ। और मुझे और सबसे बेहतर ये लगा है। हाँ। आपको इसके इंटीरियर को भी दिखा देते हैं। इंटीरियर इसका जितना प्रीमियम लगता है ना उतना प्रीमियम है भी, जितना आप सोचते हैं उतना प्रीमियम है भी। और चेरी कलर में भैया ने इसका सीट करवा के रखा हुआ है जो कि गाड़ी मुझे पर्सनली ये गाड़ी मुझे बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है। अगर ये मतलब इतनी ऊंची गाड़ी लगती है ये महिंद्रा थार और प्लस 4x4 के साथ इतनी अच्छी गाड़ी है उसके बारे में हम मेरे मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे हैं। अगर मैं बता दूं आपको तो इसमें हमें ना हाइट जो है बहुत ज़्यादा ऊँचे मिल जाते हैं। देख लीजिए कितना ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, 226 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस। अगर इसके टायर की साइज़ की बात कर ले तो टायर आप देख सकते इतना ज़्यादा बड़ा है, मतलब मेरे पैर से इतना, मतलब मेरे पैर से थोड़ा सा छोटा है, बाकी इतनी ज़्यादा हाइट है गाड़ी की। और गाड़ी की एक बार बैक साइड से भी दिखा दूँ तो बहुत ज़्यादा ही हमें प्रीमियम लगती है। पहले ये खुलता है उसके बाद ये खुलता है। मैं तो फर्स्ट टाइम, मैं पर्सनली बताऊँ मैं फ़र्स्ट टाइम थार के अंदर बैठ रहा हूँ। खैर चलाने का भी मौका मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और मैं इसके मतलब ऑनर से ही पूछ लूँगा, भैया अगर आपको बता दें गाड़ी के अंदर मतलब कोई भी आपको अभी तक परेशानी दिखी? कुछ नहीं। कुछ नहीं। मैं कितना माइलेज देती है आपकी ये? 12+। 12+। बाकी तो अपने ड्राइविंग के ऊपर भी डिपेंड है। मेन अपने ड्राइविंग पर्पस पे है। मैं 13-14 ले लेता हूँ। 13-14 का मैं एवरेज लेता हूँ। अच्छा 13-14 का भैया माइलेज निकाल देते हैं। खैर अगर हम लोग होंगे तो वो भी बहुत मुश्किल है। गाड़ी हमारी है देख लीजिए, इंटीरियर इसकी चालू होती है तो बहुत ज़्यादा, मैं फर्स्ट टाइम थार की स्टेयरिंग पकड़ रहा हूँ, थार में बैठ रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें हमें बहुत सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं और ये किलोमीटर 30,000 किलोमीटर भैया अभी चला दिए हैं। इसकी कूलिंग वगैरह के बारे में क्या? सब बेहतरीन है। बहुत इसको कोई भी लेगा उसको काट नहीं पाएगा। हाँ मैं तो इसको एक बार जरूर चलाना चाहूँगा। खैर अभी नहीं, थोड़े देर अभी पहले कंप्लीट कर ले उसके बाद इसको एक बार जरूर चलाना चाहूँगा। अगर आपको मतलब बता दें इसमें इलेक्ट्रिक सीट का कोई ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। अगर आपको गाड़ी के इंजन का आवाज़ सुना दे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए मैं इंजन एक बार चालू करके दिखाऊंगा। ये देखिए इंजन चालू हो चुकी है, देख रहे हैं कितनी मतलब
आवाज नॉइस इतना कम है इसका कि कहीं पूछिए मत। बहुत मुझे गाड़ी ये बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है। सर हम भैया इसको जान लेते हैं, डीजल है ये गाड़ी आपकी पेट्रोल? मेरी डीजल गाड़ी है। डीजल गाड़ी है? डीजल डीजल। अभी मैं बता रहा हूँ, मुझे तो फील हो रहा था कि ये पेट्रोल है, जो हिसाब से मैं गाड़ी को चालू किया स्टार्ट किया हूँ मुझे तो लग रही थी कि ये पेट्रोल वर्जन में आप है। इसको स्टार्ट करेंगे आपको साउंड का पता ही नहीं चलेगा। मतलब जब साउंड का पता नहीं चलता है चलाने में तो क्या ही मजा आता होगा। फिर अगर हम आपको इसके रियर प्रोफाइल पे जाके दिखे तो आपको उधर से दिखाते हैं, अगर आपको पीछे की ओर जाना है ना तो ये सीट को ऐसे फोल्ड करके ये ऐसे पूरा अंदर जाना पड़ेगा। खैर थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन पूरा जन्नत ही जन्नत है। कैमरा दे दीजिए भैया, अब पीछे से भी दर्शकों को दिखा दे एक बार थार की फीलिंग। वैसे यहाँ हम कुछ लगा सकते हैं जैसे कप होल्डर वगैरह, ऑनर नहीं लगाए हैं, सबकी अलग अलग अपनी पसंद है। अगर बूट स्पेस की दिखा दे तो आपको बूट स्पेस इतनी मिल जाती है। खैर ये चीज़ बहुत ऑड लग रहा है, बहुत पुराना सा लग रहा है। और उसके साउंड सिस्टम की बात कर लें, जिस हिसाब से ऑनर बताए हैं कि साउंड सिस्टम भी इसकी बहुत अच्छी है, बेकार नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी है। मुझे तो इसकी ये सीट कवर जो है ये बहुत अच्छी लगी। इसको कर देते हैं बंद, ये हो गया बंद। और एक चीज़ मैं इसकी खुद कहूँगा, महिंद्रा ये बनाती है गाड़ियाँ, ये 5-star रेटिंग थार है। इसमें एक चीज़ बहुत बेकार है, हमें कोई बड़ी फाइल रखने का जगह नहीं मिलता है, ये बड़ा अच्छा नहीं लगता, ये सुन के बहुत बेकार सा लगता है। और ये हार्ड टॉप में हमारे पास महिंद्रा की थार है। मैं इस थार के बारे में ज़्यादा जानता हूँ नहीं, खैर जितना ऑनर भी जानते थे और वो भी हमें बता दिए, और इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ जानता हूँ नहीं। तो चलिए वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थार को देख के एक बार ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।